नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा बेसिक बताएंगे जिससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल ये दिया गया है, इसमें अगर थीटा ये वाला आपको लेने के लिए कहा गया है तो इसके सामने की जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर जोड़ी जाती है, और जो ये वाली लाइन होती है इसको बेस कहते हैं, और जो ये स्लाइट वाली लाइन है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर थीटा हम लोग ये ले लेते हैं तो इसके सामने की जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चों ने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, जैसे PBP यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा वो लोग कहते हैं और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, तो आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग वन अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का ये उल्टा होता है, तो जहां पर आपको मौका मिले साइन थीटा को वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख लीजिए या कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख लीजिए। इसी तरीके से कॉस थीटा को हम लोग वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं या फिर सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिखने के दो तरीके हैं, या तो इसको हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लें या इसको हम लोग लिख लें वन अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को इसी तरीके से लिखने के दो तरीके हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या फिर हम लोग लिख लें वन अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को लिखने का भी तरीका है कि वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा को भी लिखने का तरीका है कि वन अपॉन इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। सो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये पी बी पी होता है, नीचे एच एच बी होता है, अगर हम ऊपर से देखें तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और अगर हम नीचे से देखें तो ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट का लिखा जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने लिखे हैं। ठीक है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, चौथा वहां पे लिखा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, और लास्ट में टेन टू थीटा का फॉर्मूला लिखा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले ही यूज बहुत ज़्यादा होते हैं फ्यूचर में, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ये हमारी एक टेबल है, जिस टेबल को हमने बनाया है, ये पहला क्वाड्रेंट है और ये दूसरा क्वाड्रेंट है और ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो पहले क्वाड्रेंट में आल प्लस यानी जितने भी लोग आएंगे सभी प्लस के होंगे, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉस, टेन और कॉट, सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन और कॉट प्लस के होते हैं, और चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस के होते हैं। देखिए, यहाँ 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। 90 पर हम लोग चेंज करेंगे, 180 पर नो चेंज, 270 पर चेंज, 360 पर नो चेंज। ये चेंज नो चेंज क्या है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 90 माइनस, तो जब कभी कहीं पर माइनस लिखा होता है यानी आपको एक कदम पीछे जाना होता है ना, तो 90 से यानी 90 से जब एक कदम पीछे जाओगे तो आप पहले वाले में आ जाओगे ना, यानी सभी प्लस के हैं, यानी कि जितना भी मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर सभी लोगों को हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्लस, क्योंकि एक कदम पीछे यानी कि आल प्लस। ये देखो, अब देखो 90 का मतलब क्या लिखा है, चेंज, यानी साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करके कॉस, और ये थीटा है तो थीटा, कॉस को चेंज करके साइन थीटा, टेन को चेंज करके कॉट थीटा, कॉट को चेंज करके टेन थीटा, और सेक को चेंज करके कॉसेक थीटा, और कॉसेक को चेंज करके सेक थीटा, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारे पास प्लस वाले लिखे हैं, तो 90 प्लस थीटा, प्लस का मतलब होता है एक कदम आगे जाना है। 90 में जब एक कदम आप आगे जाओगे तो आप दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, तो ये साइन लिखा है इसको प्लस का कर दो,
और लास्ट में कौशिक लिखा है इसको प्लस का कर दो। बाकी सारे लोग काहे के रहेंगे, माइनस के रहेंगे। ठीक है, अब देखो 90 का मतलब चेंज ना, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, सेक का हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हमारे पास लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ये सब लिखे हुए हैं। देखिए 180 में एक कदम पीछे जाना है, माइनस लगा है ना, तो एक कदम पीछे आओगे तो आप सेकेंड वाले में आ जाओगे। यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, तो साइन ये दिख रहा है इसको प्लस का कर दो, कॉसेक ये दिख रहा है इसको प्लस का कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी सभी को कहा क्या लिखना है, माइनस का ही लिखना है। और 180 का मतलब क्या होता है, नो चेंज, यानी अगर साइन लिखा है तो साइन ही लिखा रहेगा, कॉस लिखा है तो कॉस लिखा रहेगा, टेन लिखा है तो टेन ही लिखा रहेगा, कॉट लिखा है तो कॉट लिखा रहेगा, सेक लिखा है तो सेक लिखा रहेगा, कॉसेक लिखा है तो कॉसेक ही लिखा रहेगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये हमारे पास सारे प्लस वाले हैं। ठीक है, अब 180 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो हम लोग एक कदम आगे आएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं, ये प्लस का होगा और ये प्लस का होगा। बाकी सारे लोग का है के होंगे माइनस के, और 180 का मतलब होता है नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन थीटा रह जाएगा, कॉट का कॉट थीटा रह जाएगा, सेक का सेक थीटा रह जाएगा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा ही लिखा जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास ये लिखे हैं 270 वाले, तो 270 हमारे पास लिखा है यहाँ पर। 270 में से कुछ भी माइनस करोगे तो पीछे आ जाओगे कि नहीं, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में प्लस का क्या होता है, टेन और कॉट, यानी कि ये प्लस का होगा ये प्लस का होगा, बाकी सारे काहे के होंगे, माइनस के ही लिखे जाएंगे। अब देखिए 270 का मतलब चेंज, यानी कि 270 अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो चेंज करेंगे, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक थीटा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है 270 प्लस, तो 270 में कुछ भी ऐड होगा तो फोर्थ वाले में आएगा, और फोर्थ वाले में कॉस प्लस का है और सेक प्लस का है, बाकी सभी लोग काहे के लिखे हुए हैं, माइनस के। और 270 का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन, और सेक का हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, ये आंसर भी हो जाएगा। 360 माइनस 360 ये लिखा है, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो फोर्थ वाले में आ जाएंगे वापस, तो कॉस और सेक प्लस के होते हैं, यानी कि ये प्लस का है और ये प्लस का है, बाकी सारे काहे के रहेंगे, माइनस के रहेंगे। और 360 का मतलब होता क्या है, नो चेंज, तो इसका मतलब साइन का साइन लिखा जाएगा, कॉस का कॉस लिखा जाएगा, टेन का टेन लिखा जाएगा, कॉट का कॉट लिखा जाएगा, सेक का सेक लिखा जाएगा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा ही लिखा जाएगा। ठीक है, 360 में अगर कुछ भी प्लस किया जाए तो देखिए फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो जब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये पहुंचता है तो ऑल प्लस के होते हैं, यानी कि सारे के सारे काहे हो जाएंगे प्लस के। और एक बात, कॉसेक का नो चेंज, कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट, टेन का टेन, और कॉस का कॉस थीटा, साइन का साइन थीटा, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।